सक्सेस आपकी कोई नहीं रोक सकता, और आप रोक सक्सेस को कोई रोक सकता है तो वो आप है। अगर आप असफलता के जिम्मेदार हैं तो वो आप है। तो इसलिए दिल लगा के मेहनत करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, ज्यादा भटके नहीं, और अपने काम पे फोकस करें, ओनली फोकस करें, ओनली फोकस। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बहुत ही खास है, और इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्डन रूल टू क्रैक एनी बोर्ड एग्जाम। तो हम कैसे किसी बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर कमी रहती है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे लास्ट में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स बहुत कम आता है, अच्छे उनके जो मन चाहिए है वो नंबर नहीं मिल पाता। तो क्या गलती वो करते हैं जिस वजह से उनको जो है मन चाहिए नंबर नहीं मिल पाता है, जितना वो कॉपी में लिख के आते हैं उतना उनको मार्क्स नहीं मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, सभी बच्चों के लिए, सभी बोर्ड परीक्षा के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, या सीबीएसई बोर्ड का हो, कोई सभी बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हैं, सभी के लिए, या एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे जो है किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो के माध्यम में हम जानेंगे कि हम लोग गोल्डन रूल टू क्रैक एनी बोर्ड एग्जाम कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मुझसे कहा जाए कि सर आप पढ़ाते हो, आप एक वर्ड में बताएं कि हम बच्चे क्या करें, तो बच्चे के अंदर होना चाहिए सबसे पहला एक ही वर्ड कहना चाहूंगा, LRP। तो मैं जब ये वर्ड लिख रहा हूं जिसका नाम है LRP, तो L से जो होता है वो होता है उसका लर्निंग, और P से जो होता है वो R से जो होता है वो है उसका रिवीजन, और P से जो होता है उसका प्रैक्टिस। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, याद करना, रिवीजन का मतलब होता है दोहराना, और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। आप सभी इस चीज को जानते हैं, अभ्यास करना। अगर मैं एक बच्चे को एक वर्ड बता रहा हूं LRP, L का मतलब लर्निंग सीखना, R का मतलब रिवीजन दोहराना, P का मतलब प्रैक्टिस अभ्यास करना। अब इस वर्ड में क्या रह गया है मैं आपको समझाता हूं। जब बच्चे लर्निंग करते हैं, मान लीजिए कोचिंग में पढ़ने आए, पास 2 घंटा 3 घंटा क्लास कर ली, ये तो उनका लर्निंग था, सीखना था। वो घर में जाते हैं, उनको कोचिंग से होमवर्क मिलता है, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, मैं भी अपने कोचिंग में होमवर्क देता हूं वैसे बहुत सारा, तो वो जाके अपना होमवर्क करते हैं, अपने जो है डाउट को सॉल्व करते हैं, और वो अच्छे से जो है रिवीजन करते हैं, और फिर वो जो है प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो आप मान लीजिए एक बच्चा है जो लर्निंग कर रहा है वो है 10%, और साथ ही साथ जो सीख के वो घर जाता है उसको दोहराता है, ठीक है, तो वो उसका हो गया 10%। फिर वो दोहराने के बाद उसको लिख कर प्रैक्टिस करता है तो वो हो गया उसका 10%। जब अगर ये तीनों चीज उसके पास आ चुका, 10%, अगर 10 को हम लोग 3 बार गुना किया जाए, 10 × 10 × 10, तो हमें मिलेगा 1000% जो है उसका सक्सेस होगा, उसका रिजल्ट होगा, ठीक है, उसको श्योर है कि उसकी सफलता 1000% रहेगी, ठीक है। अगर वही बच्चा है लर्निंग करता है, कोचिंग में सीखता भी है, वो एक और बच्चा है जो रिवीजन भी करता है घर जाके, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता है, तो उसके मार्क्स कैसे आएंगे। तो वो आप देख लीजिए, यहाँ सेकंड बच्चा है वो 10% जो है सीख भी रहा है, क्लास में डेली कर रहा है, और फिर वो जो है रिवीजन भी कर रहा है, और जैसे वो प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो आपको पता है उसका सक्सेस क्या होगा, 0, उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है। अब कैसे, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना कर दे तो वो क्या करती है, किसी भी कितनी बड़ी संख्या उसको खा जाती है, उसका सक्सेस क्या आता है, 0। तो हमें ये चीज पता नहीं होता, और हम लोग जो है बस लर्निंग किए, अपना रिवीजन किए, और हमें पता चलता है मुझे बहुत कुछ आ चुका है, मैं अच्छे नंबर कर लूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता है किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, और किसी भी चीज को अगर मैं छोड़ रहा हूं तो मेरा रिजल्ट, मेरा सक्सेस नहीं होने वाला। तो ये 3 चीज पर आप फोकस करें, और आप एक पे नहीं रहे, आप मेहनत करते रहे, लर्निंग करते रहे, रिवीजन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, जब ये सारी तीनों चीजें आपके अंदर जाएगी ना तो सक्सेस आपकी कोई नहीं रोक सकता, और आप सक्सेस को कोई रोक सकता है तो वो आप है। अगर आप असफलता के जिम्मेदार हैं तो वो आप है। तो इसलिए दिल लगा के मेहनत करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, ज्यादा भटके नहीं, और अपने काम पे फोकस करें, ओनली फोकस करें, ओनली फोकस करें। तो आपके क्या चाहिए, आप किसी भी एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, जब आपके पास ये एक वर्ड रहे LRP, जिसे हम कहते हैं लर्निंग, रिविजन, प्रैक्टिस, ये तीनों चीज ले आइए और कामयाब हो जाइए। थैंक यू।